हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग सी एक इवनिंग स्नैक्स रेसिपी जो कि बहुत ही मजेदार है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बोल में 2 चम्मच बेसन लिया है और 2 चम्मच में चावल का आटा ले रही हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी 1 पिंच हींग और साथ ही में डालूंगी 1 चम्मच सांबर मसाला। सांबर मसाला से इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें डाला है मैंने 1 बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच चने की दाल। अब मेरे पास 1/2 बोल लेफ्ट ओवर राइस है वो मैं डाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप इसमें फ्रेश राइस भी मिला सकते हो। राइस से ये जो पकोड़े बनेंगे वो बहुत ही अच्छे बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट रहेंगे और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसे अच्छी तरह, जिस तरह डो होता है उस फॉर्म से थोड़ा सा पतले फॉर्म में लेके आ जाना है। देखिए कुछ इस तरह से, जिससे कि हाथ में ही आसानी से आ जाए। अब हमने ऑयल गरम किया हुआ है, उसमें हम जिस तरह हम पकोड़े बनाते हैं उस तरह से एक एक करके छोटे छोटे साइज में हम इसमें ऑयल में डाल देंगे। तो बस अब हमें इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सब तरह से टर्न करते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे ब्राउन, गोल्डन ब्राउन से ये फ्राई हो गए हैं। तो चलिए बस हम इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं और इसे हम गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।